हाथरस कांड के भयावह मंजर के बाद इस मामले पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। हर एक दिन नए नए खुलासे और कई गुत्थियां घटना से जुड़ी सामने आ रही हैं। अब इस मामले पर उन 5 फोन नंबर्स की एंट्री हुई है जिनसे घटना के बाद एक नंबर पर कॉल किया गया था, जिसके बाद बाबा से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मामले पर पुलिस ने कहा है कि जांच में नाम सामने आने पर भोले बाबा से पूछताछ की जा सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या फोन के बाद ये कदम उठाए गए, क्या घटना की जानकारी बाबा को मिल गई थी, निर्देश प्राप्त होने पर ही सभी ने भूमिगत होने का कदम उठाया है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पुलिस की एसओजी टीम ने बुधवार से मुख्य आयोजक व अन्य की गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज किया। तब इनकी लोकेशन जानने के लिए इनके मोबाइल नंबरों पर काम शुरू किया तो पाया कि मुख्य आयोजक सहित 5 नंबर ऐसे हैं जिन्होंने हादसे के बाद तत्काल एक ही नंबर पर लगातार 20 कॉल किए। फिर वे 5 नंबर बंद हो गए। जिस नंबर पर कॉल किया गया वह जांच में बाबा का पाया गया है। इसके बाद से ही माना जा रहा है कि बाबा को इन लोगों ने पूरी जानकारी दी है। माना तो ये भी जा रहा है कि बाबा ने उन्हें शायद छिपने के लिए ठिकाने भी बताए हों। ये भी बताया है कि किन किन लोगों को जरूरी तौर पर हाथ नहीं आना है। हालांकि इन तमाम सवालों के जवाब इनकी गिरफ्तारी के बाद ही मिल सकेंगे। आईजी शलभ माथुर ने कहा है कि जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, जो भी तथ्य जांच में सामने आ रहे हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। जांच में नाम सामने आने पर भोले बाबा से पूछताछ की जा सकती है। मामले में मुकदमे की विवेचना सीओ हाथरस राम प्रवेश राय को सौंपी गई है। वहीं इंस्पेक्टर कोतवाली हाथरस विजय कुमार को सहयोगी विवेचक बनाया गया है। पुलिस लाइन में मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा है कि हादसे की जांच चल रही है। शुरुआती जांच में एक नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है जिसकी तलाश जारी है। इनाम भी घोषित किया गया है। जैसे जैसे नाम सामने आ रहे हैं उन लोगों से पूछताछ की जा रही है, गिरफ्तारी भी की जा रही है। अगर बाबा का नाम सामने आया तो उनसे पूछताछ भी की जाएगी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 6 सेवादारों ने बताया है कि भीड़ ज़्यादा थी और इंतजाम कम थे। हालांकि मंच से बार बार घोषणा की जा रही थी कि लोग धीरे धीरे चलें, लाइन में चलें, लेकिन जब बाबा का काफिला गुजरा तो कुछ लोग उनकी तरफ दौड़ पड़े। इससे भगदड़ मच गई। जब जानकारी हुई कि भगदड़ में लोगों की मौत हो गई है तो उन्हें वहां से निकलने के लिए कहा गया। वहीं भगदड़ मची तब कुछ ग्रामीण हाईवे किनारे खड़े होकर वीडियो बनाने लगे थे। इस दौरान यहां पहुंचे सेवादारों ने युवकों के साथ भी धक्का मुक्की कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। फिर मोबाइल लेकर फेंक दिए। जब पुलिस ने इस बारे में पूछा तो उनका कहना था कि बाबा का सख्त आदेश है, कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा। वीडियो बनाने के लिए उनकी अपनी टीम है, उसके अलावा किसी को वीडियो बनाने की इजाजत नहीं है। आईजी शलभ माथुर ने बताया है कि सेवादारों ने बताया कि भगदड़ मचते ही सभी को भागने के लिए कहा गया था। काफी देर तक पैदल और बाद में बस पकड़कर निकल गए। जब उन्हें पता चला कि मरने वालों की संख्या बढ़ गई है तो सभी भूमिगत हो गए। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस अब इस मामले पर क्या एक्शन लेती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।